हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायलिसेट के बारे में। देखिए क्या होता है, पार्ट ए पार्ट बी आरओ वाटर, ये तीनों मिला के डायलिसेट बनता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि डायलिसेट क्या होता है, पार्ट ए क्या होता है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, पार्ट बी क्या होता है और आपका आरओ वाटर उसमें कितना यूज़ होता है। हम एक एक चीज़ इसके बारे में डिटेल में जाएंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे, थ्योरेटिकली भी मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो गाइस आप लोग देखिए, हमारे पास पार्ट ए पार्ट बी है। अब मैं आपको इसमें डिफाइन करना बता दूं कि आप कैसे पता लगाओ कौन सा पार्ट ए है पार्ट बी है। देखिए ये इसकी कंसंट्रेट हर मशीन में होती है, ठीक है। जो आपका रेड वाला होता है, हमेशा जो आपका रेड वाला कंसंट्रेटेड लाइन है वो हमेशा आपकी ए पार्ट होती है, ठीक है। अब देखिए ए पार्ट आप कैन में कैसे पता लगाओ, सबसे पहले जिस पे पाउडर होता है वो आपका बाइकार्ब होगा, ठीक है, तो इसलिए बी पार्ट कहा जाता है। ए पार्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आता है पहले से ही, ठीक है। ए पार्ट में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो जो इसके अंदर है, सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, एसिटिक एसिड, डेक्सट्रोज, ठीक है, प्योरीफाइड आपका वाटर होता है इसके अंदर। तो ये सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, तो इसलिए आपका ये ए पार्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो मशीन में मैं आपको बताया कंसंट्रेटेड जो लाइन होती है रेड वाली, आपकी हमेशा पार्ट ए के अंदर डाली जाती है पिकअप करने के लिए, ठीक। रेड वाला आपका क्या हमेशा पिकअप करेगा, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ये पिकअप करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम पार्ट बी के बारे में, ठीक है। जो आपका ब्लू वाला रहता है, चाहे कोई सी भी मशीन हो, आपकी मैकेनिज्म सब में ही सेम है। जो आपका ब्लू होता है वो आता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं इसका पैकेट दिखा लेता हूँ कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है। ये आप लोगों को मैनुअली बनाना पड़ता है, ये पहले से ही बना हुआ नहीं आता है। तो इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी पूरा पैकेट दिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है, उसे भी दिखाऊंगा। तो ये है पार्ट बी का, जो सोडियम बाइकार्ब का पाउडर जो आता है, इसमें देखो क्लियरली लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाउडर पार्ट बी फॉर हीमोडायलिसिस सॉल्यूशन 10 लीटर। ये कितने 10 लीटर जो आपका आरओ वाटर होता है उसके अंदर ही डिजोल्व करके अच्छे तरह मिक्स करके फिर पार्ट बी बनाया जाता है। ये कंडक्टिविटी, अब पार्ट ए पार्ट बी आरओ वाटर मिला के फिर कंडक्टिविटी का एक ग्राफ आता है पूरा, आप देख सकते हो कंडक्टिविटी कितनी 13 से लेके 15.5 तक होती है। ये वेरी करती है अगर आप लोग इसमें सोडियम बढ़ाते हो, ठीक है, फ्रिजनेस की मशीन में अगर सोडियम इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज आएगी। अभी कितनी है 15 है, ठीक है। तो नॉर्मल जो होता है इसका 135 से 145 तक होता है, मतलब 13.5 से 14.5 तक। अगर आप इंक्रीज करोगे, बाइकार्ब अगर इंक्रीज करोगे तो भी ऊपर जाएगी, और आप सोडियम अगर इंक्रीज करोगे तो भी ऊपर जाएगी। तो फिलहाल ये था इस पाउडर के बारे में, जो आपका पार्ट बी का ये पाउडर होता है। हम रेशो के ऊपर, हमेशा रेशो हर कैन पे लिखा हो, एक रेशो बताया गया है कि पार्ट ए 1 ml लिया जा रहा है, पार्ट बी 1.83 ml लिया जा रहा है, आरओ वाटर आपका 34 ml लिया जा रहा है। तो आपका कितना हो गया, 34 प्लस 1 प्लस 1 आपका कितना हो गया 36.83। तो गाइस कितना आ गया, 36.83 आपका ये रेशो आ गया। ये तो था इसका रेशो। अब देखिए एक डायलिसिस में एवरेज कितना यूज हो जाता है आरओ वाटर। सपोज करिए आपका 4 आवर्स का डायलिसिस है, जनरली 4 आवर्स का होता है एक सेशन, ठीक है। 4 आवर्स के डायलिसिस में 130 लीटर अराउंड आपका आरओ वाटर यूज होता है, 8 लीटर अराउंड आपका पार्ट बी यूज होता है, और 4 लीटर अप्रोक्स आपका पार्ट ए यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।